तो यहाँ होने जा रहा है प्रशंसा और ऋषभ में भाई साहब हिंदी का कंपटीशन। तो देखते हैं पांच लाइन है, कौन सबसे पहले पढ़ता है। तो आइए शुरू करते हैं, आप लोग बने रहे। इस तरीके से पढ़ना क्या होता है कि बच्चों के अंदर कंपटीशन वाला भावना आता है तो जल्दी से भाई साहब सीखने की इच्छा जल्दी बढ़ जाती है कि कैसे जीती है, कैसे जीते हराइब हम हराइब, ऐसा होता है कि जल्दी सीख जाते हैं बच्चे। हाँ, ये भावना से। और ये एक रहता है कि भाई साहब मान लीजिए अगर कोई अकेला लड़का, इस तरीके से करने से बच्चे जल्दी सीखते हैं। और अकेला मान लीजिए लड़का है तो उसको कैसे इंग्लिश और हिंदी फास्ट पढ़ना सिखाएं, तो आप जान लीजिए नए टेक्नोलॉजी के माध्यम से पढ़ाया करें तो ज़्यादा बेहतरीन हो। नए टेक्नोलॉजी मतलब नए तरीके से, मतलब अगर अकेला लड़का है तो पटक देंगे, अगर अकेला लड़का है तो टाइमर वाच चालू कर दीजिए घड़ी का, उसके बाद उसको खुद पहले पढ़िए रफ्तार में जितना पढ़ पाए, फिर पाँच सेकंड घटा दीजिए या 10 सेकंड घटा दीजिए और उसको कहिए कि तुमको भी इतने सेकंड में पढ़ना है, तो उसको क्या रहेगा कि वो भी पढ़ने का प्रयास करेगा। तो जब तक वो पढ़ ना ले तब तक अगले लेसन में मत जाइए। 5 लाइन दीजिए, 4 लाइन दीजिए, रोज दीजिए, इससे जल्दी सीख जाएंगे बच्चे। तो आइए शुरू करते हैं, देखते हैं कौन जीतता है। प्रशंसा ये श्री सब तो तैयार हो बेटा, यहाँ से अकबर और बीरबल यहाँ दिखाना ला हमको। अब देखो यहाँ तैयारी हो रहा, 1 2 3 कहाँ कहाँ गायब हो गई तुम? ये इसको कान कहाँ छोड़ दिया यार, इतना रफ्तार पढ़ा, ये तो ये हड़क गई, इतना तेज ये पढ़ा रफ्तार में कि ये प्रशंसा बेटा इट्स ओके, कोई बात नहीं, अगली बार एफर्ट लगा, अगली बार हरा दोगी ना पक्का? यस सर। पक्का हराएगी तुमको ऋषभ, तब तुम क्या करोगे बेटा? सजी हमने भी याद करेंगे। शाबाश ऋषभ के लिए, जोरदार तालियां हो जाए। शाबाश, तो देखा ऋषभ ने इतना रफ्तार पढ़ा कि प्रशंसा डर गई थी कि अब दादा इतना रफ्तार। तो इस तरीके से पढ़ने से, और ऋषभ के पापा आप क्या कह रहे थे भाई साहब इसको पढ़ना नहीं आता? अरे आप चेक तो करिए भाई, आप चेक तो करिए, कितना महीना हुआ बेटा पढ़ते हुए अभी? 5-10 महीना 5-6 महीना नहीं, अप्रैल से एडमिशन हुआ है आपका? अप्रैल से नहीं हुआ है, अप्रैल से नहीं हुआ ना? चलिए मान लीजिए जब से स्कूल खुला है तो जान लीजिए अप्रैल, देखा जाए अप्रैल मई जून को कैंसिल कर दिया, जुलाई अगस्त सितंबर 5 महीना हुआ है, इतना रफ्तार पढ़ रहा। और इनके पापा की शिकायत थी कि भाई साहब इसको पढ़ाना तक ही नहीं आ रहा था जिस स्कूल में पढ़ते थे। किस स्कूल में पढ़ते थे बेटा पहले आप? पहले हम पढ़ते थे लिटिल फ्लावर्स, के बाद सेंट जेवियर्स। हाँ देखिए पहले उसमें लिटिल फ्लावर, फिर सेंट जेवियर्स, फिर इधर आए। इनको हिंदी पढ़ना नहीं आता था, जान लीजिए अभी जब तक पढ़ रहे थे एल नर्सरी पढ़े, एल के जी पढ़े, यू के जी पढ़े, एक पढ़े, हाँ उसके बाद सेकंड में इनका एडमिशन हुआ है। जान लीजिए 4 साल पढ़ने पर इनको हिंदी नहीं आया, और ये 5 महीना पढ़ने पर जान लीजिए आप हिंदी आपका लड़का पढ़ता है, तो जान लीजिए आप कहते हैं सीख नहीं रहा, बताइए सीख रहा है कि नहीं, आप खुद साक्ष्य वीडियो में देख सकते हैं। तो यस जनरल पब्लिक स्कूल ये स्कूल है और ये सिद्धार्थ में पढ़ता है। मैं जाफी सर खासतौर पर प्रयास करते हैं कि बच्चों को नए टेक्नोलॉजी और नए तरीके से पढ़ाने का प्रयास करें, और लोगों को बताते हैं कि इस तरीके से अगर आप बच्चों को पढ़ाते हैं या आप गार्जियन हैं या टीचर हैं तो जल्दी से वो सीख जाएंगे। बस यही प्रयास रहता है कि हम चाहते हैं कि हमारा आसपास या जितना भी है वो सिर्फ पढ़े ना, बल्कि यार हर काम में आगे रहे, रफ्तार रहे बच्चों के अंदर, मतलब क्वालिटी डेवलप हो, सिर्फ वो ना रहे बस वहाँ पढ़ रहे हैं, मतलब कि हर काम में बहुत तेज तर्रार रहे, ये चाहते हैं। हिंदी पढ़ना नहीं हिंदी रफ्तार पढ़ना आना चाहिए, इंग्लिश पढ़ना नहीं इंग्लिश रफ्तार में पढ़ना आना चाहिए। तो मैं जाफ़ी सर यही प्रयास करते हैं हर एक माध्यम से, हर एक तरीके से कि बच्चे काफ़ी सीखें और तरीके से नए वे में। जय हिंद। आप लोग वीडियो शेयर किया करिए ताकि और लोगों तक पहुँचे कि वो जान सकें किस तरीके से पढ़ाएं, किस तरीके से इंग्लिश पढ़ें या हिंदी पढ़ें कि जल्दी से वो सीख जाएं। ये इंग्लिश का भी तरीका यही है, आप हिंदी का भी ये तरीका अप्लाई दोनों कर सकते हैं। जय हिंद।